एटीएम से रुपये निकालने वाले लोग सावधान रहें, क्योंकि मेरठ पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर मशीन से रुपये निकालने वाले गिरोह का एक पर्दाफाश किया है। ये गिरोह एटीएम के भीतर लोगों का कार्ड बदलकर लाखों रुपये का चूना लगा रहा था। पुलिस अब इस बदमाश के बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। इसमें एक अभियुक्त आरिफ नाम का गिरफ्तार किया गया, इसके दो साथी और हैं जो गाजियाबाद के वही रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 30 अदद एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। कुल 21 घटनाओं से संबंधित इनसे जानकारी मिली है, जिसके आधार पर संबंधित जिलों के जो गाजियाबाद के हैं, नोएडा के हैं, दिल्ली के हैं व आसपास के अन्य कई जिलों के हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है, जिससे वो भी अपने मुकदमों में इनका रिमांड बनवाएं, इनसे पूछताछ करें। एक शातिर ये गैंग है, काफ़ी दिनों से सक्रिय था, काफ़ी लोगों से इस तरीके से ठगी करता था और इनकी गिरफ्तारी से निश्चित तौर पर ऐसी घटना पर अंकुश लगेगी। और इसके लिए जो टीम है, पुलिस की टीम है परतापुर थाने की, उस टीम को 20,000 रुपये से पुरस्कृत करने की घोषणा एसएसपी महोदय के द्वारा की गई है। एक तरह से वहाँ चीटिंग करते थे और कई बार इसको निकाल भी लेते थे लोगों के पॉकेट से, और कई बार एटीएम में घुस के बताने के बहाने कि आपको नहीं आता है, हम बता देते हैं, कई बार फंस गया। इस तरीके से तमाम प्रकार का प्रयोग करके एटीएम को अपने कब्जे में कर लेते थे। टीम में कितने लोग हैं और कितने पकड़े गए? एक हैं आरिफ, जो मैंने आपको नाम बताया, और जैसा मैंने आपको बताया कि दो इसके और साथी हैं जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, वांटेड हैं। तो ये कुल तीन की जानकारी है, और भी अगर इसमें होंगे पूछताछ से आएगा तो उनके बारे में भी जानकारी करके कार्रवाई की जाएगी।